And this question is from दिसंबर 2015. इस क्वेश्चन में आपको एस एन दिया हुआ है विच इज अ समीशन वन अपॉन के, ठीक है, विद के वेरिंग फ्रॉम वन टू एन. देन विच ऑफ लविंग स्टेटमेंट इज ट्रू. पहला ऑप्शन कह रहा है कि एस ऑफ, तो ऑप्शन यहां लिख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन एस ऑफ टू की पावर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन बाई टू करना है. सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि एस एन जो है वो बाउंडेड है. थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि एस ऑफ टू की पावर एन माइनस एस ऑफ टू टू द पावर एन माइनस वन ये टेंस टू जीरो है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी. और डी ऑप्शन कह रहा है कि एस एन बाई एन जो है वो वन पे कन्वर्ज कर रहा है जब एन टेंस टू इन्फिनिटी. ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए. तो डेफिनेटली अगर मैं एक सीरीज कंसिडर करता हूँ समीशन के वेरिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन के, ठीक है, तो इस सीरीज का जो nth पार्शल सम आएगा वो क्या आ जाएगा, इज एस एन. और ये आप सब लोग जानते हैं ये डाइवर्जेंट सीरीज है. और अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है, पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, तो ये जो एस एन होगा, एस एन शुड बी डाइवर्जेंट आएगा. ये क्लियर है? और एस एन डाइवर्जेंट है तो वो बाउंडेड कभी नहीं हो सकता. तो पहला ऑप्शन, सॉरी सेकेंड ऑप्शन फॉल्स. और उसके बाद वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई एन, ये जो दिया हुआ है मेरे को एस एन दिया हुआ है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए एन. यहाँ ए एन मेरे पास वन बाई एन है, ए एन कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, जीरो पे. तो कोशी फर्स्ट थ्योरम से वन बाई एन इन टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन ये सिक्वेंस भी कहाँ कन्वर्ज करेगा, जीरो पे. तो एस एन बाई एन की जब मैं बात करूंगा तो ये जीरो पे कन्वर्ज करेगा, लेकिन डी ऑप्शन वो कह रहा है कि ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, वन पे. तो फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स हो गया, सेकेंड ऑप्शन फॉल्स हो गया, एंड फोर्थ ऑप्शन डेफिनेटली फॉल्स हो गया. अब ए और सी ऑप्शन डेफिनेटली रिलेटेड है. ए को चेक कर लो कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए कुछ टर्म्स लिख लेते हैं. तो अगर मैं एस टू की बात करूंगा तो एस टू का मतलब है वन प्लस वन बाई टू. एस टू स्क्वेयर की बात करूंगा तो उसका मतलब है वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर. और एस टू क्यूब की एक टर्म और लिख लेते हैं विच इज वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री अप टू कहाँ तक जाना है, वन बाई एट तक. तो वन बाई फोर, वन बाई सिक्स, वन बाई सेवन एंड वन बाई एट, ये एस है एंड सो ऑन, इसके बारे में जानना है. तो यहां से अगर मैं इस इनक्विटी को चेक करना चाहूंगा तो एस टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन बाई टू होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, वो ऑलरेडी है. एस टू क्या है, वन प्लस समथिंग, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन बाई टू. ठीक है, अब वो एस टू स्क्वेयर की बात कर रहा है, वो क्या कह रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू टू बाई टू, इसको टू बाई टू बनाना है. ठीक है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं वन प्लस वन बाई टू और इसको वन बाई फोर से रिप्लेस करूंगा, तो वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूं. तो प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर, तो इनक्विटी ये ऐसी आ जाएगी. ठीक है, वन बाई फोर प्लस वन बाई टू, ये वन बाई टू आ जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ वन प्लस टू बाई टू और इसको फिर लिख सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू टू बाई टू, ये आ जाएगा. ठीक है, यहां पे नेक्स्ट एस टू क्यूब की बात करनी है तो वो लिखना है आपको थ्री बाई टू से ग्रेटर और इक्वल चेक करना है. ठीक है, तो ये आपके पास वन प्लस, ये वन बाई टू है, इसको आप क्या कर दो, वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर प्लस इन सब को वन बाई एट से रिप्लेस कर दो, तो वन बाई एट प्लस वन बाई एट प्लस वन बाई एट प्लस वन बाई एट, ये कर सकते हैं. और यहाँ इनक्विटी क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये आ जाएगा वन प्लस वन बाई टू, ये दोनों टर्म वन बाई टू और ये वन बाई एट, वन बाई एट फोर टाइम है तो वन बाई टू, तो ये आ गया वन प्लस थ्री बाई टू एंड सो ऑन. तो इन जनरल आप ये देख सकते हैं कि एस एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन बाई टू लिख सकते हैं और स्ट्रिक्टली ग्रेटर भी लिख सकते हैं. यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया. ये क्लियर है? ठीक है, अब इनको दोबारा रिमूव कर देते हैं, सी ऑप्शन पे आ जाते हैं. तो जब मैं एस टू स्क्वेयर माइनस एस टू करूंगा तो वो टर्म आपके पास आएगी वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर. क्लियर? देन एस टू क्यूब माइनस एस टू स्क्वेयर करूंगा तो वो टर्म आएगी आपके पास, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वन बाई फाइव प्लस वन बाई सिक्स प्लस वन बाई सेवन,
प्लस वन बाई एट, इसको मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको वन बाई फोर से रिप्लेस करूंगा तो दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन बाई टू लिख सकता हूँ, इन सबको वन बाई एट से रिप्लेस करूंगा तो इसको लिख सकता हूँ ग्रेटर देन वन बाई टू, देन एस टू फोर माइनस एस टू क्यूब करूंगा उसको भी ग्रेटर देन वन बाई टू लिख सकता हूँ, तो इनका जो मॉडुलस वैल्यू है ये गारंटी है कि कभी भी जीरो पे नहीं जाएगा। तो ये जो सिक्वेंस बन रहा है इसको बी एन नाम दे दो, ये बी एन की हर टर्म वन बाई टू से ग्रेटर और इक्वल है तो डेफिनेटली बी एन नॉट कन्वर्जेस टू जीरो, तो आपका सी ऑप्शन भी फॉल्स है, तो फाइनल आंसर शुड बी ए ओनली। क्लियर?